हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजह। तो भाई साहब अटैक कर चुके हैं शंबाला पर। हाँ भाई, मुझे तो कॉम्प्लेक्स वाले हैवी लग रहे हैं यार। भाई जितनी उनके उनके पास पास बहुत टेक्नोलॉजी, बहुत शंबाला वाले भाई। भी हैं नहीं, भाई संभाला वाले कुछ नहीं है इनके आगे। लेकिन थोड़ी बहुत तो है उनके पास, वो जो शील्ड शील्ड बनाई थी। देखते हैं अब कौन करते हाँ स्टार्ट कल के लिए। यार सोचा नहीं था कि मूवी एंड में इतनी बम्बास्ट होगी। अम्मा जैसे बचाया वे आए होए ओ हो यानी कि इतना बुरा भी यार बच्चा बच्चन की इस एज में ऐसी बाइक चलेंगे सोचा था। वही सोच रहे के छलांगे मार रहे ये तो वो बे ओ, 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 ये वो जो पावर वाला होता है वो निकाल कहते हैं बिग फाइटर। अबे बांध रहे भाई, अब चला अपने हाथ पाओ। ये वाला ना क्यों तो किया कल के लिए एफ में भी इनका जुमला थी। अच्छा आज कल कल के लिए बोल रही हूँ। ले भाई मार गया जो है कल के लिए यार मुझे क्या लगा बहुत अच्छी लगा है। चलो यहाँ से निकल रहा हूँ। बहुत लोग पीछे रह गए, हमारे लोग उन्हें संभाल लेंगे। तुम चलो। अच्छा ये निकाल रहे हैं। एक गए संभाला वाले अंदर जाइए। और मरियम आप जाइए। क्या नाम बोला? That's an order। कह रही है आप तो जाओ। कुछ बोला तो मैंने नहीं बोला। एंड्रयू यानी कि सब कर रही हो नीचे क्यों आए? गरुड़ वन माता लैंड राइट नाउ। ओ गरुड़ वन डेड। अबे शुक्र है छलांग मार दी थी माता जी ने। हाँ अभी ये कल के लिए नहीं दे रहे।
उसने 2 मिनट में कल के लिए बोला और गया। ये क्या है? ओ हाँ बंदी, ले सारी बाजी पलट दी है। मैंने कहा ना इनके पास बड़ी टेक्नोलॉजी है। अब हम वो आई है माता की, लेकिन मुकाबला कर पाएंगे वो जिसकी पावर थी। आर पार करो, आर पार वाला। अब गिर गया माता जी, गिर गया। यार अश्वत्थामा को क्रेडिट देना पड़ेगा। भगवान जी मुश्किल में और अश्वत्थामा जी ना बचाए हो ही नहीं सकता। समझे इस चीज का वरदान इनको मिला था, इन्होंने नहीं बचाना है। ओले। अबे क्योंकि वो तो इसको मारना चाहते हैं सिंपल। और अगर भैरवा इसको मार भी देगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। अश्वत्थामा भी लाइक साला ये तो मार रहा था, तो बचा रहा है। हाँ लेकिन देखो उठाया कैसे। लेकिन अश्वत्थामा जल्दी क्या, ये तेरी हमदर्दी हम नहीं दे, मतलब थैंक यू नहीं बोल सकते। क्योंकि ये सबके लिए भारी है अश्वत्थामा। मैं घेर लिया मैं भाई, इसको तो काम हो गया। अब क्या होगा भैया, ये खतरनाक है वो, ये जालम खतरनाक। तुझे तो मैं यही मार देता। अच्छा फिर? लेकिन तुझे और तेरे बच्चे को सुप्रीम स्वयं ही मारना चाहेंगे। सुप्रीम राक्षस। ओई, ओई। अबे बहन कमीने, इतना हालांकि इसकी जान देख और उसकी देख यारा नाजुक, एक थप्पड़ से बेचारी को छोड़ दूंगी। अबे ये बहुत हैवी टेक्नोलॉजी है, देख अश्वत्थामा भी नहीं पा रहा। बाकी अश्वत्थामा बहुत जोर भगवान समझाता नहीं थे, और कोई है इसका रक्षा करने के लिए? सब खत्म, आग ही आग।
लगे हुए हुए क्या आग ये क्यों हुआ है? हाँ अभी अभी तो किसी को लोग है। हाँ अभी ये क्या हुआ? अभी ये इसके हाथों में चमक कैसे रहा है? ओ हाँ ये क्या है? वो विजय धनुष तो एक किस्म की सिर्फ लाठी थी। लाठी थी ना वो। अबे ना। इसके हाथों में वो पत्ता उड़कर आया। हाँ। विजय धनुष पर गिरा, विजय धनुष इसके हाथों में वो चमकने लग गया। मतलब कर्ण की जो शक्तियां थी वो इस धनुष के अंदर वापस आई है मेरे ख्याल से। ये क्या ताल्लुक है बे? अबे हाँ ना, ये क्या ताल्लुक है भाई इसका? क्या नाम है बे? भैरवा का और भाई ये विजय धनुष का। और ये चल पड़ा है। और सबसे बड़ी बात और ये देखो उसे यूं घुमा के मारा उस सारे वो रेड। लेकिन एक बात बताऊं वजात, सबसे बड़ी बात ये हरामियां, इसने हरामी कल के लिए बोला और शंबाला को विनाश कर दिया। इतना मजे का ही कहता है कल के लिए। ओ भाई उनका वो अच्छा जो, मैंने जो उनकी मेन मशीन थी वो ही उन्होंने। अच्छा मैंने बोला इसने ये पता नहीं क्यों बोला, लेकिन पता चला कि उसके बाद उसने शंबाला वालों को अपने सामने टिकने नहीं दिया। उन्हें कॉम्प्लेक्स वालों ने अपने लिए अपना कल के लिए बोला, इनके कल के लिए तो नहीं बोल रहे, अपने कल के लिए बोल रहे हैं शंबाला। कॉम्प्लेक्स वाले ने बोला अपने कल के लिए भाई। लेकिन माता जी ने भी यार बड़ी हिम्मत की है इसको माता जी को बचाने के लिए, यानी कि वो मरियम कह रही थी ना वो जो उन्होंने भी किया, लेकिन वो बेचारी उसके सामने कमजोर है ना यार भाई। लेकिन खुर्रम अब देख भैरवा ने बचाया माता जी को। हाँ और यार ये देख ले और ऊपर से भाई अश्वत्थामा कहते ही ना जानी तेरे इस छोटी सी हमदर्दी का, क्योंकि तू ये फसाद की जा। और अश्वत्थामा के सामने टिक भी वही पा रहा है और कोई नहीं टिक पा रहा भाई। नहीं, नहीं, नहीं। यार बड़े यार ये हमें नहीं पता था कि ये मूवी एंड में आके इतनी बम्बास्ट मूवी हो जाएगी। तबकी फाइट भाई मैंने आज तक किसी मूवी में नहीं देखी। वाकई ये तो अंग्रेजों की मूवी में भी ऐसी नहीं है फाइट। कसम से मैंने इंडिया की सिनेमा की हिस्ट्री में ऐसी चीज नहीं देखी। वाकई यार बहुत तबाही है, पहली बार हो रही है। और भैरवा ने इसमें बड़ा सीरियस होके लड़ा, शुरू में तो मजाक लड़ रहा था लेकिन भैरवा की ऐसी फाइट पहले नहीं देखी यार। मजा देखते होता है क्या तो बात।